क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। तो एक ऐसा सॉलिड ये है, इस पर कितना चार्ज है 2q है, ये कैसा है कंडक्टिंग है। हाँ तो आप बताओ बेटा मैंने क्या बोला है, कंडक्टिंग स्फीयर में है ना, कंडक्टिंग स्फीयर में अगर आप चार्ज देते हो तो वो कहाँ जाके रहता है बेटा, सरफेस पे। तो इसके यहाँ यहाँ आ जाएगा वो पूरा चार्ज है ना, कितना 2q। उसके बाद क्या हो रहा है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी। एक ऐसा करके सेल है, ठीक। जिसका इसका रेडियस क्या था, ए था, इसका इनर रेडियस क्या है बी है, और इसका आउटर रेडियस क्या है सी है, समझ गए। अब आगे क्या बोलता है, ये भी क्या है बेटा कंडक्टिंग है, दोनों कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने से क्या क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिंग होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहता, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, उसके अंदर नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। और बोलता है कि विद द सॉलिड स्फीयर एंड हैज अ नेट चार्ज माइनस क्यू, आई थिंक जो सेल है उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है माइनस क्यू है, ठीक है। द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल सेल विल बी, है ना, हमें नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है इनर और आउटर सेल पे। तो देखो जो ये इनर सेल का जो ये वाला सरफेस है, ये वाला, ठीक है, इस सरफेस पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कंडक्टर है ना, मैंने क्या बोला है कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रुकता, तो इसके अंदर जो ये 2q चार्ज है ना वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ये 2q चार्ज ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा 2q चार्ज ऊपर, तो इसके प्लस 2q के सामने ना माइनस 2q इंड्यूस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, प्लस 2q माइनस 2q तभी ना अंदर जीरो होगा। हाँ। अरे बात समझ में, और माइनस 2q इधर हुआ तो ये प्लस 2q इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। यस। और इस पर तो इस पर देखो टोटल क्या हुआ, माइनस 2q प्लस 2q जीरो ही हो गया, और यहाँ पर टोटल क्या है माइनस क्यू ही रहा, माइनस क्यू है ना, तो ऐसा हो गया, ठीक है। इसका जो है वो भी तो बाहर ही रहेगा ना माइनस क्यू, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब चलो इस पर तो अंदर वाला जो सरफेस है उस पर चार्ज कितना है बताओ, मतलब ये वाले सरफेस पे माइनस, यही माइनस टू क्यू, अरे माइनस टू क्यू ना ये वाले सरफेस पे, ये देखो माइनस टू क्यू है ना। तो यहाँ का आपको क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा निकालना है। क्या होता है, कैसे निकालते हैं सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना है माइनस टू क्यू, और एरिया कितना हो गया है ना स्फेयर का एरिया क्या होता है 4π, उसका रेडियस कितना है बी है, तो क्या हो गया 4π b स्क्वायर हो गया है ना, ये एक हो गया। अब इस पर इस वाले पे टोटल कितना हुआ, देखो प्लस 2q एंड माइनस क्यू है ना, कितना बचा क्यू बचा क्यू, तो जो सिग्मा ये क्या हो गया, सिग्मा अंदर वाला और ये सिग्मा आउट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज हो गया क्यू और इसका रेडियस कितना है सी, तो क्या हो जाएगा 4π c स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, देखो फर्स्ट ही आ रहा है आई थिंक, हाँ चेक इट, हाँ ओके, तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। और बोलिए बेटा 20 अप टू 25, किसी को अप टू 25, नो, ठीक है।
एक टर्म होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, नोटबुक है ना सबके पास, नोट डाउन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नोट डाउन। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा मुझे बताओ बेटा, शील्ड करना मतलब क्या होता है? शील्ड मतलब क्या? हाँ यस, कवच, रक्षा कवच है, शील्ड करना। तो जब मैं बात करता हूँ शील्डिंग की तो मतलब होता है बचाना, किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से। तो अगर हम किसी चीज को ना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से बचाना चाहते हैं, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे, है ना, ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। आया क्या समझ में? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। हुआ तो बोलो मुझे नोट करके, कोई स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं रखेगा, नोट करना है प्रॉपरली। हो गया सर। हुआ सर। ओके, वेरी नाइस। हो गया सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि कुछ दिमाग में आ रहा है कि आप किसी चीज को कैसे बचा सकते हो, कैसे शील्ड कर सकते हो, क्या तरीका समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई मेटल कंडक्टर के अंदर, है ना, मेटल हो, मेटल है तो ऑटोमेटिक कंडक्टर होगा, है ना, तो कंडक्टर के अंदर जो स्पेस होता है ना, वहां पर कोई चार्ज नहीं होता, वहां पर कोई फील्ड नहीं होता, फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। यानी अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर कैविटी करके अगर हम किसी चीज को रख दें तो वहां पर कभी फील्ड नहीं आएगा, वहां पर कभी फोर्स नहीं लगेगा। क्या समझ आ रहा है आपको? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने का तरीका है कि आप मेटल कैविटी के अंदर क्या रख दो? ऑब्जेक्ट को रख दो, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? शील्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां हम नोट कर लेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड, प्लेस्ड इनसाइड अ मेटल कैविटी, मेटल कैविटी, देन इट इज इलेक्ट्रिकली शील्डेड, इलेक्ट्रिकली शील्डेड। ओके, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये एक तरीका होता है इलेक्ट्रिकली शील्ड करने का। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये एक मेटल कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर, वायर जो होता है, ठीक है, अगर ये एक कंडक्टिंग वायर है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी वो कैसे होंगे? ऐसे इंक्लाइंड होंगे, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, या ऐसे टेंजेंशियल होंगे, कैसे होंगे? कौन बोलेगा बेटा? यस, कम ऑन, स्पीक। बोलिए,
अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। टेंजेंशियल नो। टेंजेंशियल कल मैंने बताया है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब बता रहा था तो वहां मैंने बताया था क्या चीज। परपेंडिकुलर। हाँ, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये नोट करके आप रख लेंगे। क्या चीज बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होगा ये वाला। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, इंक्लाइंड क्यों नहीं हो सकता, टेंजेंशियल क्यों नहीं हो सकता, बोलोगे ना। Yes, sir. तो बेटे कंडक्टर क्या चीज होता है बताओ तो मुझे, किसको कंडक्टर कहते हैं? मैंने बताया था आप लोगों को कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, बताओ क्या था कंडक्टर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ? वो लूजली बाउंडेड होते हैं, वो इधर उधर क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? है ना, क्लियर है। तो बेटा अगर मान लो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्लाइंड होता, ठीक, इंक्लाइंड ऐसा होता, ओके, देन इसके कंपोनेंट होते, कि नहीं? इसके कंपोनेंट एक क्या जाते, परपेंडिकुलर, और एक किधर जाते, इस तरफ, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है, इस पर, इस फील्ड के कारण किधर फोर्स लगता बेटा? सॉरी, इस फील्ड के कारण किधर फोर्स लगता बताओ? इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगता है? इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगता है? किसी फील्ड में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है? कैसे? तुम लोग क्या पढ़े नहीं हो बेटा? ये तो गलत बात है, कल आपका एग्जाम है। क्या बताया मैंने? अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक मान लो प्लस ई है, ठीक है, और यहां पर एक इस तरीके का फील्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द फील्ड फोर्स लगता है एफ बराबर क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपोजिट लगता है, ठीक है, क्यू इंटू ई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इधर फील्ड है, परपेंडिकुलर फील्ड इधर है, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा? इस तरफ फोर्स लगेगा। अपोजिट लेकिन ये इसको तो नहीं पार कर सकता ना, मतलब बाहर नहीं जा सकता, है ना, बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाउंड्री है। लेकिन ये वाला जो है ई कॉस थीटा, इसके कारण किधर फोर्स लगेगा? इस तरफ फोर्स लगेगा। सारे इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? इस तरफ फोर्स लगेगा। तो इससे क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? चलने शुरू कर देंगे, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में हमेशा ही चलते रहता है, लेकिन नेट रूप से नहीं चलता। नेट उसका क्या रहता है? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहता है, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन जब फील्ड रहेगा तो उसके कारण फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। नेट डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा तो हम कहेंगे कि चार्ज फ्लो करने लगा। चार्ज फ्लो करने लगा लगा तो हम क्या बोलेंगे? कि करंट फ्लो करने लगा। तो इस कंडक्टर से क्या होगा? करंट पास करने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो बेटे यहां हमने कोई बैटरी तो जोड़ा नहीं। अभी अपने आप एक वायर में करंट फ्लो कर सकता है क्या? एक वायर का टुकड़ा रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो करने लगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं अगर टेंजेंशियल फील्ड होगा तो करंट इसमें ऑटोमेटिक फ्लो होने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई टेंजेंशियल फील्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? परपेंडिकुलर फील्ड होगा। कारण समझ में आया? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। वेल, तो ये दोनों बातें आपने नोट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। और रीजन क्या है? रीजन क्या है?
because if tangential field will be, then charge will start flow, which is not possible without connecting battery. No problem. आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. चलिए, ये नोट कर डाला आप लोगों ने? हाँ. ठीक है. वन मोर थिंग, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इनफ्लेमेबल लिक्विड या गैस कैरी करने वाले कंटेनर होते हैं, देखा है आपने, देखना कोई ट्रक जाती है उस पर लिखा रहता है इनफ्लेमेबल गैस या इनफ्लेमेबल लिक्विड, जैसे पेट्रोलियम वगैरह लेके जाता है, उस पर देखा है आपने? हाँ. ऐसे कंटेनर देखे हैं? तो ऐसे जो भी कंटेनर होते हैं ना, उसमें एक चेन है ना, मेटल वाला चेन लटकता रहता है और वो ग्राउंड को टच होता रहता है, ठीक है, उसको क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, Why a metal chain is hanging from container carrying inflammable लिक्विड और गैस? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे? हाँ सर. कोई बता सकता है क्या कारण है इसका? अर्थिंग, ताकि अगर कोई भी चार्ज डेवलप हो तो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अर्थिंग. यस, ठीक है. क्या होता है बेटा, जब वो कंटेनर चलता है, ठीक है, तो रोड और उसके टायर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. friction. हमने देखा था फ्रिक्शन की वजह से भी चार्जिंग होता है. हाँ, है ना. हाँ. तो उसपे क्या होगा, चार्ज डेवलप होता चला जाएगा. चार्ज डेवलप होता चला गया और अगर वो मान लो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, ठीक है, तो अगर वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, ठीक है, जब बहुत बढ़ जाएगा तो वो क्या कर सकता है, स्पार्क पैदा कर सकता है. क्या पैदा कर सकता है? स्पार्क पैदा कर सकता है और उस स्पार्क से उसमें क्या होगा, आग लग जाएगी. तो क्या जरूरी है कि उस पे जो भी चार्ज डेवलप हुआ है वो उस पर जमा ना हो, एक्यूमुलेट ना हो. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को वापस ग्राउंड को भेज दिया जाना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, एक चेन जो है, मेटल चेन जो है, वो ग्राउंड को टच करता रहता है. तो वो जो चार्ज डेवलप हुआ है उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्योंकि वो क्या है, कंडक्टर है ना, मेटल चेन क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, वो कंडक्ट करके वापस से ग्राउंड को भेज देता है. तो इस तरीके से उस पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता और वो जो डर है वो नहीं रहता. आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes. है ना. तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, सो दैट चार्ज developed on container due to friction. Charge developed on container due to friction is carried to the ground by metal chain. Understood beta? है ना? Yes sir. Okay. अच्छा, एक और question रहेगा बेटा ऐसा कि आपने वो देखा है हवाई जहाज, मतलब plane, flight, है ना? Yes. Yes sir. उसके जो उसके जो tires होते हैं ना, ठीक है, उसके जो टायर्स होते हैं उसको हल्का कंडक्टिंग बनाया जाता है, ठीक है. तो पूछेगा क्यों, व्हाई टायर्स
ऑफ एरोप्लेन आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग. कौन बताएगा बेटा क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? एनीबॉडी? अगेन यहां पर भी सेम रीजन है बेटा कि जब वो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो क्या होता है, वो बहुत तेजी से ग्राउंड को ग्राउंड पे भागता है, तो उस समय क्या होगा, बहुत फ्रिक्शन होगा, है ना, और उस फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज डेवलप होंगे, चार्ज डेवलप होंगे, अगर वो एक्यूमुलेट हो गया है ना तो उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा. ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए जो भी चार्ज डेवलप हो वो वापस से ग्राउंड में चले जाए तो कंडक्टिंग बना देते हैं. कुछ दिक्कत है? ठीक है, तो वापस से वही रीजन लिख लोगे कि अगर चार्ज डेवलप होता है तो वो ग्राउंड में चला जाए. वेल, हो गया ये भी? यस सर. ओके, अब एक और चीज रहेगा कि व्हाट इज फैराडे केज. व्हाट इज फैराडे केज, किसी को पता है क्या होता है फैराडे केज? छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आज. ठीक है, व्हाट इज फैराडे केज, किसी को पता है बेटा क्या होता है फैराडे केज? फैराडे केज के अंदर किसी को आदमी रख के वो बिजली का काम करता है. यस, वेरी नाइस. ठीक है, तो फैराडे केज देखो इसको कहते हैं, मतलब जो भी बिजली की तारें हैं, बिजली का सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है, तो उसको दो तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं. ठीक है, एक कहलाता है हॉट लाइन मेंटेनेंस. हॉट लाइन मेंटेनेंस मतलब उसमें हम करंट सप्लाई को रोकते नहीं है, उसमें करंट सप्लाई हो रहा है और हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो वो हुआ हॉट लाइन मेंटेनेंस. ठीक है, और एक में क्या करते हैं, देखो कि अब कभी कभी क्या होता है, दिन आपको पहले से बता दिया जाता है कि फलाने दिन इतने से इतने बजे तक बिजली नहीं रहेगी, बताते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस होगा, ऐसा है ना, मेंटेनेंस होगा, ऐसा बोल देते हैं आपको, है ना, तो उस समय आपको बिजली काट देता है बिल्कुल और उसके बाद आपका ठीक करता है, तो वो हुआ ऑफलाइन, है ना. ठीक है, तो अरे भाई एक गली का मुझे ठीक करना है, दो गली का करना है ना, तो मैं उसको कट कर सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है. लेकिन जो बड़ी बड़ी बिजली की सप्लाई है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े वो होते हैं ना, आ रही ना बात समझ में, जिसकी हाँ 765 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट ऐसा वाला है, तो उसको रोकोगे तो कितने शहरों की बिजली चली जाएगी एक साथ, है ना, तो वैसा नहीं कर सकते आप, है ना, वैसा नहीं कर सकते. इस वजह से वहां पर आपको हॉटलाइन मेंटेनेंस ही करना होता है, तो वहां पर जरूरत पड़ती है फैराडे केज की. तो एक चीज क्या हो गया, इट इज यूज्ड फॉर हॉट लाइन मेंटेनेंस. ये क्या हुआ, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर हॉट लाइन मेंटेनेंस, अंडरस्टूड. अब ये होता कैसा है, हाँ, फैराडे केज कैसा होता है, तो आप देखते हो बार बार होता है ना, क्या बोलते हैं, जेल, देखो जेल की जो दीवारें होती है कैसे ऐसे ऐसे बार बार होते हैं, ठीक है, तो ऐसे एक पिंजड़ा बना दिया जाता है, पिंजड़ा समझ लो, पक्षी रखते हो जिसमें, है ना, केज, केज सभी समझते हैं ना, है ना, तो वैसा वैसा हम एक केज बना लेते हैं. ठीक है, वैसा हमने केज बना लिया मेटल से. ओके, तो इस तरीके का फैराडे केज होता है. अब इस एक लिफ्ट, लिफ्ट नहीं मतलब जो क्या बोलते हैं, जेसीबी टाइप की होती है, ठीक है, तो वो केज को उठा करके ऐसा वायर के पास ले जाता है और वो वायर को ठीक कर देता है, समझ गए? वेल, yes, है ना, तो ये होता है फैराडे केज. अब ये क्यों ऐसा, मतलब इसमें जो बैठा आदमी है उसको क्यों करंट नहीं लग रहा है, क्या रीजन है, क्यों करंट? मेटल, मेटल केज होता है और मेटल के अंदर चार्ज होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, मेटल कंडक्टर है ना,
है ना, और मेटल कंडक्टर के इनसाइड फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, जीरो उस पर जो भी चार्ज आएगा भी ना वो सब कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे, है ना, सरफेस पे रहेंगे, अंदर उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली क्या है, सील्ड है, ठीक है। तो फेराडे केज के अंदर जो भी रहता है वो इलेक्ट्रिकली सील्ड रहता है ना, इसलिए उस पे रह करके हॉटलाइन मेंटेनेंस किया जा सकता है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाऊं बेटा, आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कहेगा कि मान लो बिजली कड़क रही हो, है ना, लाइटनिंग हो रही हो, और आप एक कार में हो, आप एक कार में हो, लाइटनिंग हो रही है, तो आपके लिए क्या सेफ है, कार के अंदर रहना सेफ है या कार के बाहर आ जाना सेफ है? एक पेड़ है बगल में, आपके बगल में एक पेड़ है, लंबी सी एक पेड़ है, आप वहां जाके छुपना पसंद करोगे कि अपने कार के अंदर रहना पसंद करोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन कार के अंदर रहना, कार के अंदर, कार के अंदर, क्वेश्चन क्या है, कार के अंदर, कार के अंदर। इफ इट इज लाइटनिंग, what is safe, what is safe to stay inside car, ये सारी बातें लिखनी है आपको, inside car or below a tree, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इनसाइड अ कार, क्या रीजन है बेटा, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, हाँ, क्योंकि वो आपको फेराडे केज की तरह ही काम करेगा, है ना, क्योंकि बाहर पूरा मेटल बॉडी होता है ना, कार का बॉडी कैसा होता है, मेटलिक होता है, तो अगर बिजली गिर भी जाती है आपके कार के ऊपर तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना, और जबकि पेड़ वगैरह जो होती है, ट्री वगैरह जो होती है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपके, क्या बोलते हैं, बिजली जब भी देखना गिरेगी तो वो लंबी पेड़, लंबे बिल्डिंग, है ना, ऐसी चीजों पर गिरती है, ठीक है, तो इसलिए पेड़ के नीचे जाने से बेटर है कि आप कार के अंदर रहे तो ज्यादा सेफ है। वेल, समझ गए? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। हां सर। अब एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हमने बोला था कि अगर एक ये मान लो पेन है ना, इस पेन को आप ऐसा रब करोगे किसमें, हेयर में, और इससे आप क्या कर सकते हो, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा होता है? हाँ सर। बोलिए। तो वो जो कागज के टुकड़े हैं वो जब इसमें चिपक जाते हैं तो क्या वो हमेशा के लिए उससे चिपके रहते हैं कि थोड़ी देर बाद हट जाते हैं? थोड़े देर बाद है ना, कुछ सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, फिर डिटैच हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, कहां गए वो चार्ज, पेन पे चार्ज आया था ना रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से पेन पे क्या आ गया था, चार्ज आ गया था, है ना, उस चार्ज की वजह से जो आपका पेपर के पीसेस थे वो अट्रैक्ट हो गए, लेकिन अब अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो चार्ज जो हमने डेवलप किया था उस पेन के ऊपर वो गया कहां? Anybody? अर्थ में। कैसे? क्योंकि हमने उस पेन को पकड़ा हुआ है। हाँ, हमारा जो बॉडी है ना वो ठीक ठाक कंडक्टर है, हरी बात समझ में, हमारा जो बॉडी है वो ठीक ठाक कंडक्टर है, तो हमारे पेन पे जो भी चार्ज डेवलप हुआ था वो हमारे बॉडी से ट्रेवल करता हुआ कहाँ चला गया, ग्राउंड को चला गया, है ना, तो कुछ सेकंड बाद वहां से आपका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा तो वो डिटैच हो जाएगा। आगे बात समझ में? Yes. तो ऐसे छोटे 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 हम काफी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल टाइप के पूछ सकते हैं इस चैप्टर से, क्लियर है मेरी बात? ओके, तो ये रहा आपका छोटी मोटी बातें।